नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ बरखा। एक खबर सामने आई है रामनगर से, जहां के विधायक दीवान सिंह बिश ने रानीखेत रोड और नगर पालिका के सामने अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आपको बता दें, शनिवार को तहसील परिसर में अधिकारियों की बैठक लेते हुए विधायक दीवान सिंह बिश ने SDM गौरव चटवाल, CO बलजीत सिंह भाकुनी के अलावा मौजूद अन्य अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश देते हुए कहा कि रामनगर में बढ़ता अतिक्रमण और पटरी से उतरी यातायात व्यवस्था एक गंभीर समस्या है, जिसके चलते हुए उन्होंने कहा कि इनसे निजात दिलाने के लिए अधिकारी अब सड़कों पर उतर कर कार्रवाई करें। जानकारी दे दें कि विधायक बिश ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए ये भी कहा कि रानीखेत रोड के अलावा नगर पालिका के सामने बने फुटपाथ और अस्पताल जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर ठेले और खोखा लगाकर कारोबार करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। और तो और, अब इन क्षेत्रों में अतिक्रमण किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि नगर के अन्य क्षेत्रों में भी शीघ्र अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी और अभियान के माध्यम से लोगों को अब राहत देने का काम किया जाएगा। उन्होंने अतिक्रमणकारियों से भी जनहित में अपना अतिक्रमण खुद हटाने की अपील करते हुए प्रशासन को सहयोग करने की बात कही है, तो वहीं अधिकारियों ने भी विधायक के आदेशों को गंभीरता से लेते हुए रविवार को लाउडस्पीकर के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की अपील करने का निर्णय लिया है और कहा है कि सोमवार से इन क्षेत्रों में गठित प्रशासनिक टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी, जिसके दौरान तहसीलदार बिपिन चंद्र पंत, नगर पालिका EO महेंद्र कुमार यादव, SSI अनीस अहमद और अन्य अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे। जो अतिक्रमण हटाने की बात है, वो मैंने सुबह भी कहा, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अतिक्रमण हटेगा। जो अतिक्रमणकारियों को भी अभी से सोच लेना चाहिए कि सरकार की जो मंशा है कि जनता, क्षेत्र की जनता है, बाहर के जो हमारे पर्यटक, उन सबको हम सुविधा देनी, और इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ये ना रहूँ, इसको रोकने के लिए मैंने SDM साहब हैं, CO साहब हैं, को SSI हैं, हमारे तहसीलदार साहब हैं, EO साहब हैं, सबको निर्देशित किया है कि ये जितना भी अतिक्रमण है ये तुरंत हटना चाहिए। और कल अनाउंस भी हम लोग करेंगे इनके माध्यम से, UO के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से, कि जो लोग अतिक्रमण हैं वो अपने आप खुद हटा लें, नहीं तो अतिक्रमण तो हटना है, ये निर्देशित कर दिया गया। कल से ही हो गया, जब अनाउंस हो जाएगा तो कल से हो गया, फिर समय देगी, कल समय भी देंगे तो उसके बाद अतिक्रमण हटेगा, उनको भी देखते हैं। फिलहाल तो रानीखेत रोड का जो मुख्य मुद्दा है, जो कल एक दुर्घटना हुई है, दुखद दुर्घटना हुई है जिन परिवारों के साथ, उनके लिए साफ सब लोग उनके साथ खड़े हैं, हम लोग भी खड़े हैं, और इसलिए पहले हम रानीखेत रोड को क्लियर करना चाहते हैं, उसके बाद सभी जहां पर भी अतिक्रमण ये हटेगा। मैंने निर्देशित ये भी किया, एक बार हटा के फिर दोबारा कोई बैठता तो उसको और सख्ती करें, उसको पेनाल्टी डालें जब दोबारा बैठता। रामनगर में स्थित रानीखेत रोड पर अवैध अतिक्रमण खालियों पर अब कार्रवाई होना निश्चित है। इसको लेकर अभी शनिवार को शाम को विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने तहसील परिसर में अधिकारियों की बैठक ली और उन्होंने बैठक में SDM गौरव चटवाल और CO बलजीत सिंह भाकुनी के अलावा मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि रानीखेत रोड पर जो कल घटना हुई है काफ़ी दुखद है, इसको लेकर सभी को सबक लेना चाहिए। और उन्होंने कहा कि रानीखेत रोड और अस्पताल के साइड, नगर पालिका के सामने जो फुटपाथ घेरे हुए हैं, इन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा और उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा कि अतिक्रमण अभियान लगातार चलाया जाए। उन्होंने कहा कि कल रविवार को इसको लेकर सभी को अपना अतिक्रमण हटाने को लेकर एक अनाउंसमेंट के माध्यम से चेतावनी दी जाएगी, यदि उसके बाद नहीं हटाते हैं तो सोमवार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रानीखेत रोड और नगर पालिका के सामने एवं अस्पताल की साइट पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी अतिक्रमणकारी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद इस रोड को अतिक्रमण मुक्त करने के बाद जो अन्य जगह अतिक्रमण अवैध रूप से हुआ है उसको भी हटाने की बात विधायक ने कही और कहा कि अतिक्रमण मुक्त रामनगर को करने के लिए उन्होंने जनता से भी सहयोग की अपील की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN। ये खबर तैयार की गई थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल द्वारा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरें और जानकारी जानने के लिए बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।